नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम प्रोफेसर आभा देव से बात कर रहे हैं CUET को लेकर। CUET जो कि नया एंट्रेंस टेस्ट है, जिसकी 15 जुलाई से जो परीक्षाएं हैं वो चालू होने वाली हैं। एक तरफ जो केंद्र सरकार है या UGC है वो उसकी फ़ायदे गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बहुत छात्रों को फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी लगातार जारी है। तो इसी से जुड़ा पहला सवाल है। मैम, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल मैं ये आपसे पूछूंगा कि जो CUET है, इसको इसकी जो आलोचना हो रही है, इसकी क्या वजह है और आपकी नज़र में इसमें जो दिक्कतें सामने आएंगी बच्चों को वो क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि ये मार्च के महीने में 2022 में सरकार ने ऐलान किया कि इस बारी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भर्ती होगा, एडमिशन होगा। अब अगर सबसे शुरू में देखें तो जो इस समय 12वीं के स्टूडेंट हैं, उनकी इस तरीके की कोई प्रिपरेशन नहीं थी कि हमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। देखिए, 11वीं 12वीं का जो स्टूडेंट है वो अपनी स्ट्रेंथ, मेरे में क्या खूबी है, मैं किस चीज़ को क्रैक कर सकता हूँ, कहाँ बेहतर हूँ, अपने को बेहतर करता चला जाता है और उसका ध्यान होता है, वो दोनों सालों का इकट्ठा सोचता है कैसे पढ़ना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो ये जो नी जर्क आप चेंज कहेंगे, तो जो इस समय लाखों लाखों बच्चे पहली बार CUET दे रहे हैं, बेसिकली ये उनके लिए बहुत बड़ी एंग्जाइटी का कारण है। आपको मालूम है कि ये जो बैच है 12वीं का, वो एक स्पेशल बैच है। ये अपना 10th का एग्ज़ाम लिख रहे थे, बोर्ड एग्ज़ाम, जब मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ, और इनका जो 2 साल निकले हैं 11वीं 12वीं के, जो सबसे इम्पॉर्टेंट साल होते हैं स्कूल में, ये निकले ऑनलाइन टीचिंग में। अब पूरे देश में स्कूलिंग किस स्तर की है, क्या हो रहा है, कितनी शिक्षा हो पाई, नहीं हो पाई, उसमें भी जो भी स्कूल हैं या जो माँ बाप हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने भरसक प्रयास करके किसी तरीके से हर्डल्स को पार कर रहे हैं। एक नया हर्डल लास्ट मिनट क्रिएट कर देना एक तरीके से अन्याय है। दूसरी बात यह है कि गांवों में, कस्बों में, तमाम जगह स्टूडेंट है, जब उसके अच्छे नंबर आ जाता है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर चल देता है। आज उसको पता भी है कि ये फॉर्म भरना है, क्या सरकार वहाँ तक, उन स्टूडेंट्स तक पहुँच पाई जो गाँव और कस्बों से उम्मीद रखते हैं कि शिक्षा के तौर पे वो आगे बढ़ेंगे, शिक्षा लेकर वो आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाई सरकार? सरकार कह रही है कि ये जो एग्ज़ाम है वो 13 भाषाओं में होगा, लेकिन जो फॉर्म है, अगर आप फॉर्म देखेंगे तो वो सिर्फ अंग्रेज़ी में उपलब्ध है। ओके, और इतना लंबा फॉर्म है और उसमें पूछा गया कि इतने ही साइज़ की आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है, इतने ही साइज़ का आपको अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। दूसरी बात यह है कि CUET का जो घोषणा हुई उसके साथ ये कहा गया कि ये NCERT के सिलेबस पे बेस्ड है। पूरे मुल्क में लाखों स्कूलों में सिर्फ 22,000 स्कूल हैं लगभग जो CBSE का NCERT सिलेबस पढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है स्टेट बोर्ड से आता है। तो आपने एक तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन कर दिया सारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के खिलाफ। तो इमीडिएट जो स्टूडेंट है जिसको पास सिलेबस नहीं है सामने, जिसने कोई तैयारी नहीं की, एक तरीके से ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया उन सारे स्टूडेंट्स के खिलाफ। जी, एक तरफ मैम UGC की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले क्योंकि बोर्ड के हिसाब से नंबर मिलते थे, हाँ जी, और बोर्ड में जितने नंबर, जिसके अच्छे नंबर आए हैं उसी को कॉलेज फॉर एग्जांपल मिलेगा। किसी को SRCC अगर चाहिए कॉमर्स के बच्चे को तो 98-99% इसको मतलब लाना पड़ता था। पर इसका समर्थन करने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जो है बोर्ड की वजह से क्योंकि नहीं है तो सबको बराबर मौके भी मिल सकते हैं, तो इस पर क्या आपकी राय? हाँ, तो देखिए ऐसा है कि ये कि 99-100% पे DU के कुछ कॉलेजेस अपना एडमिशन बंद कर देते हैं और शायद अब लोगों के लिए रास्ते खुलेंगे। प्रॉब्लम ये है इस सारे में कि देर इज़ अ बिग गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। आज जब हमारा देश एक युवा देश है और 50% जनता 25 साल से कम उम्र की है और बहुत सारे दलित, बहुजन भी, महिलाएं भी शिक्षा लेकर अपना ज़िंदगी एक डिग्निफाइड तरीके से आगे चलना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप अगर नए संस्थान नहीं खोलेंगे और जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं पे प्रेशर होगा। आपका CUET ने सीटें नहीं बढ़ाई, इसलिए एडमिशन तो उतनों का ही होगा। अब आप देखिए कि लगभग 14 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम के लिए एनरोल किया है,
जहाँ तक सूचना नहीं पहुँच पाई, जहाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे जो लास्ट मिनट कम्पीट नहीं कर सकते थे, शायद उन्होंने भी फॉर्म ना भरा हो। धीरे धीरे अगर देश में यही रहा तो ये वाला एग्ज़ाम सबसे बड़ा एग्ज़ाम देश का बनने वाला है, और हो सकता है इसके आगे जाके 25 लाख बच्चे, 30 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को लेने लगे। लेकिन आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो 1.5 लाख सीट ही है, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 ही है, उसमें SRCC में 1,000 ही है, तो ये तो उतनों को ही मिलना है जितना हमेशा मिला। हाँ, लेकिन एक बात है कि जब एग्ज़ाम आप कोई भी पैटर्न बदलेंगे तो एक नए लोग सेक्शन होगा जिसको लगेगा कि अब मेरी उम्मीद ज़्यादा है। और आज जो एक पावरफुल लॉबी मैं कहूँ, और जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको ये लग रहा है कि क्योंकि कोचिंग सेंटर्स आपके बड़े बड़े शहरों में हैं, दिल्ली में कोचिंग है, लखनऊ में कोचिंग है, कोटा में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में, तो जो बड़े शहरों के लोग हैं उनको लग रहा है कि इसकी वजह से उनके वार्ड का, उनके बच्चों का ये भला होने वाला है। पर बात यह है कि जब सरकार किसी चीज़ का चयन कर रही हो तो उसे किसको देखना चाहिए, उसे हाशिए पे खड़े हुए लोगों का सबसे पहले एक ध्यान देना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि नीट के मामले में जो हाई कोर्ट जजमेंट आया, मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट, जो कहता है कि इस तरीके के बड़े सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशंस ने अर्बन पॉपुलेशन की ओर एडमिशन को धकेला है, उसकी पॉकेट में धकेला है, क्योंकि जो कोचिंग खरीद पाता है उसी को सफलता आगे मिलती है, और गरीब तबका या रूरल बैकग्राउंड से आने वाला कौन है जो गांव में कोचिंग खोलेगा, उस कोचिंग का क्या स्तर होगा एज अपोज टू दिल्ली जैसे शहर में जो कोचिंग का स्तर होगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप एक तरीके से नया एक डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम लेकर आ रहे हैं, आप एक अलग कर देना चाहते हैं दोबारा से जो मार्जिन पे खड़े थे, ये सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि वो इस वजह से मार्जिन पे ही रहें। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है मैम, मैं ये इसी पर मैं आने वाला था। अपने आर्थिक और सामाजिक उस तबके की बात की जो कि हाशिए पर है, अगर हम देखें कि जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU है, जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और जितनी भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम इस समय करवा रही हैं, इसमें एक विविधता देखी जाती है। हर तरह का बच्चा, हर वर्ग का बच्चा और हर इलाके का बच्चा, सुदूर गाँव का भी बच्चा यहाँ पर जो है मौजूद रहता है। तो आपको क्या लगता है कि इससे विविधता जो है वो क्या इन यूनिवर्सिटीज़ की कम हो जाएगी, क्योंकि वही कोचिंग सेंटर की आपने बात की। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ है कि आप एक और नए तरीके की चपेट में आएंगे, और वो चपेट क्या है कि आप देखिए कि जब नीट के एग्ज़ाम के लिए और JEE के एग्ज़ाम के लिए माँ बाप बहुत लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो जितना डिस्क्रिमिनेशन दलित बहुजन समाज के खिलाफ इंजीनियरिंग और मेडिसिन कॉलेजेस में होता है, वो इसीलिए होता है कि उन्हें लगता है कि जब हमने 10 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च किए तो हमारे लिए इतना मुश्किल रहा और किसी और को सीट आसानी से मिल रहा है। ये जो विचार है ये एक तरीके से इसमें भी पनपेगा, जहां अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आने वाले लोग अपनी मेहनत करके, और आप देखें ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में तो कोचिंग के बगैर 12वीं के आधार पे मेहनत करके सुंदर कहानियाँ बन जाती थी, कैसे लोग गांवों से उठ के शहर में पढ़े, कैसे जर्मेनिक एंड रोमैन स्टडीज़ में बच्चे स्पेनिश पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं, बाहर के मुल्कों में भी काम करते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी एम्बेसीज में काम करते हैं, यहाँ साइंस पढ़ते हैं, देश के इंस्टीट्यूशंस में काम करते बाहर। तो ये सब कहानियाँ जो हैं ख़त्म होने वाली हैं, विविधता ख़त्म होगी, कम होगी, और एक तरीके से जब माँ बाप को आज खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा एडमिशन के लिए, एक नए लेयर को पार करना पड़ेगा, तो मैं ये समझती हूँ कि ये लोगों के बीच के गैप को बढ़ाने वाली बात भी होगी। मैम, आपने कोचिंग सेंटर की भी बात की, हमने देखा है कि कोटा में पूरा एक जिसको कोचिंग माफिया भी अब कहा जाने लगा है नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको क्या लगता है कि जो कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ के थे ये सारे कोर्स भी क्या उसी अब रेस में जो है शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अब क्रैश कोर्स भी कराए जाएंगे? तो बेसिकली ये है कि CUET की वजह से, और अगर हम ये इस चीज़ को रखेंगे कि स्कूल एजुकेशन में लाए हुए नंबर्स का कोई मीनिंग नहीं, और सिर्फ एक MCQ को क्रैक करके आप भर्ती हो जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी में, तो इससे आपने, सरकार ने बेसिकली स्कूल एजुकेशन को ही तबाह कर दिया। इसके बाद 10वीं सबसे बड़ा एग्ज़ाम हो गया स्कूल के लिए, और उसके बाद आज मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ रही थी कि कैसे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम ओपन स्कूल से 11वीं 12वीं कर लें, कोचिंग में रुपया खर्च कर दें, क्योंकि माँ बाप दो दो तीन तीन जगह रुपया खर्च नहीं कर सकता, वो प्राइवेट स्कूल में जो फीस है उसको बचाकर ओपन से करवा ले और
कोटा जैसी जगह भेज दे, पर बात यह है कि अगर कंटिन्यूस इवेल्युएशन का या स्कूल में पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा तो जो क्रिटिकल थिंकिंग, आप किसी सब्जेक्ट को कैसे सोचते हैं, ये स्टूडेंट बिल्कुल सीख नहीं पाएगा। MCQ आपके क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, या MCQ एक बेहतरीन तरीका है लोगों को फिल्टर करने का। इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन है, लोगों का विवाद है, ये बिल्कुल माना नहीं जा सकता, स्पेशली ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में जहाँ कोई एक सही जवाब नहीं होता, जहाँ पे ये माना ही जाता है कि कोई एक करेक्ट आंसर नहीं है, आप तर्क देते हैं और तर्क के आधार पे चीज़ें सही और गलत होने लगती हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ MCQ रटवा देंगे। मुझे लगता है कि ये एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को अंदर से खोखला करने की बात है। बहुत टीचर्स, बहुत प्रिंसिपल्स परेशान हैं, बहुत आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं कि कैसे ये पूरी स्कूल एजुकेशन को ख़त्म कर रहा है, और ये अफसोस की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को नहीं सुन रहा। जो इमीडिएट फ़ायदा हुआ है वो सबसे बड़ा कोचिंग को हुआ है। हमने अभी मुँह से कहा ही था कि कोचिंग बढ़ेगा, और हम देख रहे हैं कैसे कोचिंग माफिया बिल्कुल छा गया है, और एडवर्टीजमेंट आ गए कि 80,000 में कोचिंग करवा रहे हैं, 1,00,000 में कोचिंग करवा रहे हैं, और ये क्योंकि सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम बनने वाला है, कोचिंग ही इसको डोमिनेट करेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब यूनिवर्सिटीज़ किसी किसी टेक्निकल कोर्स के लिए एंट्रेंस करवाती थी, पर संस्कृत ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इसके लिए कोई एंट्रेंस होता नहीं था, पर कहीं कहीं जर्नलिज्म या कोई इकोनॉमिक्स रिलेटेड टेक्निकल उसके ऊपर अगर होता था, छोटा एग्ज़ाम जब होता है ना, तो कोचिंग माफिया का उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। वो 20 बच्चों को शिक्षा देकर मुनाफा नहीं कमा सकता, तो उसका फ़ायदा होता है जब सेंट्रलाइज्ड बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, और एक तरीके से उनको फ़ायदा हुआ। दूसरा जो हुआ है, मैं तो खुद बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जान रही हूँ, और तमाम बाकी लोगों के भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं जानने वालों के, कि हम अपने बच्चों के लिए सीट कम से कम किसी प्राइवेट में रिज़र्व करवा दें, और जो सीट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिज़र्व हो रही है, अगर वहाँ पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जो कि हो ही जाएगी, तो उनकी फ़ीस भी वापस नहीं होगी, इवन आप विड्रॉ कर लें, तो इमीडिएटली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा गेन हुआ है। एक जो लोगों के दिमाग में था कि हम ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के लिए, प्योर साइंसेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की ओर जाएं, एक तरीके से उस ट्रेंड को भी झटके से बदला जा रहा है सरकार की ओर से। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन है, एक तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि वो तभी एडमिशन हो पाएगा जब CUET के रिज़ल्ट आएंगे, उसके बाद ही प्रणाली शुरू होगी। तो एक तरीके से सारी यूनिवर्सिटीज़ का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन बंद, और वहाँ पे पढ़ाई हो चुकी होगी, फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो चुका होगा प्राइवेट में, जब यहाँ एडमिशन शुरू होगा। आज हमें ये कर चाहिए था कि कोविड पीरियड से निकल रहे हैं, हमारा कैसे एकेडमिक कैलेंडर वापस आए, और कैसे 12वीं के आधार से इस साल करते, और CUET के ऊपर बहस करके, स्टेक होल्डर से बात करके इसके ऊपर आगे बढ़ते। जहाँ तक ये बात है कि कुछ स्टेट बोर्ड्स, कुछ बोर्ड्स, या CBSE के रिज़ल्ट हरियाणा के अलग, इसके अलग, तो आप जहाँ पे 100% जो परसेंटाइल मेथड अभी अपनाएंगे, स्टेट बोर्ड्स को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उस तरीके का परसेंटाइल कर सकते थे कि यहाँ मान लो एक स्टेट बोर्ड का 85% वाला टॉपर है यहाँ पे, और दूसरे बोर्ड में 100 वाला है, तो आप उसी तरीके से परसेंटाइल क्रिएट करके बोर्ड्स का मर्ज करके, जो कि इस CUET में भी होना है, आपको मालूम है CUET 2 फेज में होना है, तो जो सोशियोलॉजी पेपर पहले फेज में है वो दूसरे वाले से अलग होगा, तो दोनों बार परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा और मर्ज किया जाएगा। तो यही बात स्टेट बोर्ड्स के साथ भी हो सकती थी, पर उसमें प्राइवेट माफिया का फ़ायदा नहीं होता जी। मैम, मेरा आखिरी सवाल यही है कि अभी तो क्योंकि परसों से जो है एग्जाम्स चालू हैं, तो इस समय पर टीचिंग के लेवल पर, टीचर्स के स्तर पर क्या किया जा रहा है, और दूसरा बच्चे भी, अब क्योंकि UG भी और उसके साथ साथ PG के भी बच्चे हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम देंगे कई यूनिवर्सिटीज़ के, इसके तहत तो MSc के एग्जाम तो अलग होंगे, और जहाँ तक कॉलेज टीचर्स का मामला है, तो हम तो जब एडमिशन होगा उसके बाद पिक्चर में हैं जी। स्कूल के लिए ये बच्चा पास आउट हो चुका है, ये फोकस में ही नहीं है। देखिए, ये जो 12वीं का एक बार बोर्ड एग्जाम हो गया, तो स्कूलों में तो 11वीं 12वीं अलग से है, तो वो भी फोकस में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनको अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन उस तरीके से भी हुआ है, कुछ बच्चों को, अगर स्टूडेंट्स को अगर 6 पेपर्स लेने हैं तो वो 2 दिन में स्प्लिट हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो 1 ही दिन में स्प्लिट हैं, तो वो 6 पेपर्स लेगा 1 ही दिन में,
तो उस स्टूडेंट की एंग्जाइटी लेवल कितना हाई है। जुलाई वाले समझ रहे हैं कि क्योंकि हमें 15 जून तक तो बोर्ड एग्ज़ाम चले, हमें बहुत कम टाइम मिला, और अगस्त वालों को थोड़ा और टाइम मिल गया। इसी तरीके से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी कि साइंस के स्टूडेंट्स क्योंकि ज़्यादातर जीई नीट के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं और उनका 11वीं 12वीं भी उसी तरीके से बीता होता है, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये अपना परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनको अगर सीटें हर जगह अलाउड हो गई तो ये तो हमारी सीटें भी, तो बहुत सारा एंग्जाइटी है। दूसरा, कहाँ कहाँ सेंटर पढ़ेंगे, वहाँ पे उस दिन कंप्यूटर ठीक चलेगा नहीं चलेगा, नेटवर्क ठीक चलेगा या नहीं चलेगा, सेंटर पहुँचने तक बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ बाढ़ आ चुकी है। मतलब सरकार बिल्कुल एकदम ब्लाइंड होकर इस काम को कर रही है। असम पूरा पानी के अंदर, तमाम जगह पे बारिश हो रही है, उस दिन बारिश हो गई और आप अपीयर नहीं कर पाए। तो इसीलिए देश में एक एग्ज़ाम के आधार पे, मतलब अब जो सरकार ने सीवेट किया है, तो 2 साल आप काम मत कीजिए, पढ़िए ना पढ़िए, आपका एक दिन के परफॉर्मेंस पे आपका भविष्य तय हो जाएगा, ये ठीक चीज़ नहीं है। मल्टीपल एग्ज़ाम्स या जो 2 साल आप काम कर रहे हैं, जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए, और बोर्ड एग्ज़ाम्स का सिर्फ आज के दिन में जो लास्ट ईयर के लास्ट में एग्ज़ाम होता है, वो ही मार्क्स नहीं होते, कंटिन्यूस इवेल्युएशन के भी मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी कंपोनेंट के मार्क्स होते हैं, तो एक तरीके से लगातार काम किए होने का वो एक रिफ्लेक्शन होता है। ये एक बहुत बड़ा इरोजन है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत एप्रीहेंशन की बात है। मैं तो अभी भी समझती हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट अभी नहीं आए, सरकार को ये एक्सरसाइज टॉय मॉडल की तरह रन करके इसके रिजल्ट्स को साइड पे रख देना चाहिए, और फॉरेन बोर्ड एग्ज़ाम्स आते ही पहले उसके ही आधार पे करना चाहिए, या कोई ऐसा फॉर्मूला लेकर आए कि बोर्ड प्लस दिस, क्योंकि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सत्यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, न्यूज़ क्लिक का मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू। तो ये थी आभा देव हबीब, जिनका कहना है कि स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है अगर वो किसी भी वजहों से इन एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पाए जिनको ऐतिहासिक एग्ज़ाम कहा जा रहा है। तो CUET के बारे में अभी भी काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी का माहौल है बच्चों के बीच, काफ़ी चीज़ें साफ नहीं हैं, और टीचर्स और स्टूडेंट्स जो इसका विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो रिज़ल्ट आए उसी के आधार पर बच्चों की भर्तियाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में करें। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए newsclick.in, हमको फॉलो कीजिए YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर। शुक्रिया।